किसान भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्लॉट में परवल लगा हुआ है, मल्चिंग बिछी हुई है, बेड बनाकर परवल लगाया गया है। ये एक प्रगतिशील किसान भाई हैं बस्ती ज़िले के, यहाँ पर इन्होंने परवल लगाया हुआ है। और यहाँ पर जो परवल लगाया गया है, लाइन से लाइन के बीच की जो दूरी है ये 8 फीट लिया गया है। पौधे से पौधे की जो बीच की दूरी है, यहाँ पर देख सकते हैं, होल लेकर यहाँ पर जो परवल की लताएं होती हैं, इनको पहले नर्सरी तैयार किया गया था। इन्होंने नर्सरी बाहर से मंगाया था, तो नर्सरी को यहाँ पर लगाया गया है, होल के में लगाया गया है। और जब इसमें बेड की तैयारी हो रही थी, तो इसमें पहले DAP और गोबर की खाद दिया गया था, इसके बाद मल्चिंग बिछाई गई है और फिर यहाँ पर परवल के पौधे लगाए गए हैं। तो यहाँ पर 6-6 फीट की दूरी पर पौधे लगाए गए हैं, एक सीधी लाइन में लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो परवल लगाया है इसकी वर्टिकल फार्मिंग की गई है। मतलब कि ये झालर दिया जाएगा, वर्टिकल ऊपर की साइड में ये परवल जाएगा। और इसमें परवल के कई तरीके होते हैं लगाने के। बहुत से किसान भाई होते हैं वो सिंपल प्लेन में लगाते हैं, इसकी जो लताएँ होती हैं ये सीधा खेतों में फैलती हैं। लेकिन वहाँ पर जो समस्या आती है, इसमें खेतों में घास बहुत ज़्यादा हो जाती है और बरसात के समय में पानी लगने की वजह से फंगस की समस्या आती है, जिससे परवल में काफ़ी नुकसान होता है। तो यहाँ पर ये जो प्रयोग किया गया है, इसको वर्टिकल में ले जाया जाएगा, यहाँ पर क्रॉप नेट लगाया जाएगा और उसके बाद जो परवल की शाखाएँ ये ऊपर ही रहेंगी, तो बरसात के समय में होने वाली समस्याओं से यहाँ पर बचा जा सकता है। परवल लगाने का जो सबसे सही समय होता है, आप इसको सितंबर और अक्टूबर महीने में लगा सकते हैं। यहाँ पर जो परवल लगाया गया थोड़ा लेट था, ये नवम्बर महीने के लास्ट में परवल लगाया गया था और अभी देख सकते हैं इसमें जो है फल और फूल आना शुरू हो गया है। अभी का जो समय है ये अप्रैल महीना स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल महीना 2022 चल रहा है, तो यहाँ पर परवल में जो इसकी ब्रांचें हैं निकलना शुरू हो गई हैं। आगे आपको दिखाएंगे यहाँ पर अब जो क्रॉप नेट है ये भी लगाना शुरू किया जा चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर बांस लगे हुए थे इसके सहारे से ऊपर तार लगा हुआ था और यहाँ पर तार के सहारे अब यहाँ पर ये क्रॉप नेट लगाया गया है। और जो परवल की ये लताएँ हैं ये इसी के ऊपर इसमें फंसा दी जाएंगी और ये ऊपर इसके माध्यम से ये चढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो परवल की खेती होती है, तो इसका जो मेन एक रूट होता है यहाँ से पूरा पोषण इसमें जाएगा। और यदि जो है इसको ऊपर इस तरीके से ले जाया जा रहा है, तो बरसात में इसमें फंगस की समस्या नहीं आएगी। किसान भाइयों, परवल की बहुत सी वैरायटियाँ होती हैं, कुछ देसी वैरायटी होती हैं जिसका मार्केट में थोड़ा रेट तो मिलता है, लेकिन जो उसके फल होते हैं वो कम मात्रा में आते हैं। यहाँ पर जो परवल लगाया गया है ये एक बंगाल की वैरायटी है, इसमें फलों की संख्या ज़्यादा आती है और मार्केट में भी इसका डिमांड भी रहता है, तो इस तरीके से काफ़ी अच्छी वैरायटी है ये। और यहाँ पर अभी जाल भी लगाया जाना शुरू हो चुका है। और इसमें जो क्रॉप नेट लगाते हैं, इसको कैसे लगाते हैं, इसकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर इसकी वीडियो की लिंक दी गई है, वहाँ से इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अभी यहाँ पर जो परवल है शुरुआती स्टेज में है और अप्रैल महीने के लास्ट से यहाँ पर हार्वेस्टिंग भी थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो जाएगी। परवल की जो फसल होती है ये 1 साल लगाने के बाद करीब 3-4 साल तक चलती है, तो यहाँ पर 1 साल का इन्वेस्टमेंट है। जब यहाँ से हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, परवल की गवा और जो इसकी लताएं होती हैं अच्छे से इसमें फैल जाएंगी, तो आगे 2-3 साल तक अच्छा यहाँ से उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, परवल के और आगे इसमें अच्छा उत्पादन आने लगेगा तो और भी डिटेल वीडियो हम आप लोगों को लाएँगे। फिलहाल हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।